जैसा कि आप जानते हैं, अपनी पहली कार हेक्टर को लॉन्च करने के बाद एमजी मोटर्स को शानदार सफलता मिली है। ऐसे में कंपनी अपनी नई एसयूवी एमजी मैक्सस D90 को लॉन्च करने की तैयारियों में लगी हुई है। जी हाँ, और लॉन्च होते ही नई एमजी मैक्सस D90 का सीधा मुकाबला फुल एसयूवी सेगमेंट की जानी मानी एसयूवीज टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर से होगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको नई एमजी मैक्सस D90 के बारे में पूरी जानकारी देने के साथ ये भी बताने वाले हैं कि एमजी की ये नई एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर और फोर्ड एंडेवर को कैसे टक्कर दे पाती है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आप यहाँ नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल रियल ऑटो न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आप ऐसी ही रियल ऑटो न्यूज कभी मिस ना करें। इंजन की अगर बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद एमजी मैक्सस D90 में 2.0 लीटर का टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो कि 224 bhp की मैक्सिमम पावर और 360 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। लेकिन खबरों के मुताबिक भारत में लॉन्च होने वाली मैक्सस D90 में डीजल इंजन दिया जा सकता है। बता दें कि हाल ही में एमजी मोटर ने चीन में हुए ऑटो शो में मैक्सस D90 को 2.0 लीटर के डीजल इंजन के साथ पेश किया था, जो कि 218 bhp की मैक्सिमम पावर और 480 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। भारत में एमजी मैक्सस D90 को 7-सीटर के साथ इसी डीजल इंजन में लॉन्च किया जा सकता है। जैसा कि हमने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि भारत में लॉन्च होते ही एमजी मैक्सस D90 का सीधा मुकाबला फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर से होगा। तो आइए जानते हैं इन दोनों एसयूवीज के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में। बात करें फोर्ड एंडेवर की तो इसमें दो इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला है 3198 सीसी का इंजन, जो कि 200 पीएस की मैक्सिमम पावर और 470 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। वहीं दूसरा है 2198 सीसी का इंजन, जो कि 160 पीएस की मैक्सिमम पावर और 385 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। बात करें टोयोटा फॉर्च्यूनर की तो इसमें भी दो इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें पहला है 2755 सीसी का इंजन, जो कि 177 पीएस की पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं दूसरा है 2694 सीसी का इंजन, जो कि 166 पीएस की पावर और 245 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों, आपको नई एमजी मैक्सस D90 कैसी लगी, और यह एसयूवी लॉन्च होते ही फोर्ड एंडेवर और टोयोटा फॉर्च्यूनर को कड़ी टक्कर दे पाएगी या नहीं, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।